हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों मैं आज हूं फिर से स्लो वर्सेस स्क्वाड, और मैं इस लोकेशन का नाम है मुस्लिम। और यहां पे ऊपर जो अपने सामने देख सकते हैं एनिमी उतर चुका है, स्क्वाड टाइप लग रहा है मेरे को। एक ही स्क्वाड होगा या फिर दो स्क्वाड होगा, जितना भी हो मेरे को एनिमी दिखेगा मैं एनिमी दिखाऊंगा ना। अच्छा, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए गन, और यहां पे है नहीं यार। हम सबसे डाउन कर दे। अरे कौन है भाई, इतना स्पीड से ग्लू लगाया तो ग्लू कहीं और लग गया। रेस करने वाला है, रुको जरा, सबर करो। करना होगा कैसे भी करके। अच्छा, बंदा उधर से जा रहा है। मेरे को इस तरफ जाना होगा क्योंकि घूम के आएगा। उधर ग्लू तो लगा दिया, आ नहीं पाएगा, या फिर इधर से बंदा आ रहा है। डैमेज पड़ा उसका 18 बस। इधर भी ग्लू लगा दिया, अब आएगा वो इधर से। अरे बंदा काफी दिमागदार वाला बंदा है, इसको मारना थोड़ा दिमाग से भी मारना पड़ेगा। एक मिनट, उस पर रेस करने था, मैं नहीं रेस कर रहा। मैं रेस करूँगा तो वो मेरे को शायद घुस सकता है, और हो सकता है वो स्लो वर्सेस स्क्वाड खेलने आया होगा। जो भी बंदा स्लो वर्सेस स्क्वाड आता है वो तगड़ा थोड़ा सा आता है। नहीं, स्लो वर्सेस नहीं, ये इसका टीम है। तो फाइनल यहाँ पे जो हो चुका है, बाकी और एनिमी होगा शायद। तो मैं उधर मिला नहीं एनिमी, तो मैं थाम तो पिया की तरफ आ चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अरे भाई ग्रेनेड तो मेरी तरफ ही गिर गया। और यहाँ पे इसने किसी और को मार के यहाँ पे पेटी लूट रहा है आराम से बैठ के, इसको लिखना होगा। और इस बार बंदा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आ चुका है, फाइट काफ़ी डेंजर हो रहा है यहाँ पे, फाइट तगड़ा वाला फाइट। पेड़ का कवर लेके खड़ा है, मेरे पास भी ग्लू इतना जाता नहीं है, 4 ग्लू है, इसको मारना तो पड़ेगा। थोड़ा सा घूम लेते हैं यार, डैमेज दे रहा है काफ़ी ज़्यादा ये। बंदे के पास ग्लू नहीं है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो चुका है। बट ग्लू नहीं है फिर भी तगड़ा डैमेज दे रहा है, स्मार्ट बंदा होगा ना। एक गया, हेड गया, अब मैं रेस कर सकता हूँ आराम से। हो सकता है ब्रॉन फेयर है तो लगा के हेड बढ़ा सकता है ड्रोन की, बट मेरे को रेस करना चाहिए। आप दो ग्लू बनता है, एक मिनट, इसका पैर नीचे से दिखेगा ना, वहाँ उसको ही दिख रहा है। गया आधा हेल तो गया पक्का, मेरे को लग रहा है यार बंदे का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है, आधा हेल गया है। डर नहीं लग रहा है इसको, फिर भी रेस कर रहा है। अरे अरे बंद रखे, खतरे तो घर का है, मरता नहीं है यार, झोटी बनना है यार। चलो बच्चे, स्क्वाड खेलने आया था बंदा, देखा इसलिए तो बोल रहा था कि बंदा इतना मूवमेंट क्यों दिखा रहा है। चलो बच्चे, स्क्वाड खेलने आया था। एक बंदा को मारता नहीं हूँ और बंदा आ जाता है यार, ये तो भाग रहा है एकदम दबा के। तो मैं भी निकलता हूँ यार, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा जून के अंदर ही। तो मेरा 3 किल हो चुका है और अभी 4 एनिमी है। पता नहीं इतना जल्दी कैसे खत्म हो चुका है, मतलब मेरे को तो किल ज़्यादा मिला नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे चला गया, सब कुछ मर गया। और मेरे को लूट भी उतना ढंग का नहीं मिला। तेरा तो गेम बचा, क्या गुंडा बनेगा रे तू।
फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मतलब तुरंत ही पता नहीं कैसे एनिमी ख़त्म। मतलब सब सोलो वर्सेस अगर स्क्वाड खेलने आएगा तो ऐसे होगा ना, स्मार्ट बंदा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा। तीन एनिमी और बचा है, वो एक ही स्क्वाड का है, ये मेरे को पता चल गया पूरा एक ही स्क्वाड का है, क्योंकि सब लोग मेरे की तरफ फाइट ले रहे हैं। कैसे भी करके तो मेरे को बचना पड़ेगा यार, 83 का हेल्थ। यार मेरे पास पता है क्या कमी है, बर्नफेयर कमी है, बर्नफेयर है ही नहीं मेरे पास, सब खत्म हो गया। अरे एक वो भाई 12-21 से बच गया। अरे भाई यहाँ तो कबा लेता हूँ यार, हो गया मेरा टाइम निकल गया लग रहा है। एक मिनट मैं थोड़ा सा होल्ड करके खेलूँगा, मैं होल्ड करके खेलने का अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे को होल्ड करके खेलना होगा। फाइनली दोस्तों और एक एनिमी है, इसको अब मार देता हूँ तो मेरा हम लोग हो चुके भैया। तो शायद इसका दो बंदा था इसलिए थोड़ा फुर्ती में खेल रहा था, अब एक ही होगा शायद, डर लगने लगेगा इसको। अभी तो इसको ये ले गया भाई, फाइनली दोस्तों हम लोग को हो चुके भैया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है।